नाजरीन आदाब, एमसीएन उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। इतवारा डिवीज़न के आईपीएस ऑफिसर विजय कृष्णा यादव के खिलाफ रिश्वत लेने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। नांदेड में हाल ही में मुकर्रर हुए इतवारा के एसडीपीओ विजय कृष्ण यादव रिश्वत के मामले में फंस गए हैं। 2015 बैच के आईपीएस ऑफिसर यादव के खिलाफ अमरावती की एंटी करप्शन टीम ने कार्रवाई की है। हालांकि आईपीएस विजय कृष्ण यादव नांदेड में मौजूद नहीं है। रिश्वत का ये मामला अमरावती के रेती के कारोबार से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। नांदेड़ में तकरर से कबल आईपीएस यादव अमरावती के तेउसा पुलिस स्टेशन में मुकर्रर थे, जहां इन्होंने रेती के कारोबारी से 2 लाख की रिश्वत तलब की थी। नांदेड़ पहुंचने के बाद इन्हें ये रकम किस्तवार अदा की जा रही थी। अमरावती की एसीबी इनकी इस डीलिंग पर नजर रखे हुए थी। एसीबी के पास इस मामले की तमाम कॉल रिकॉर्डिंग भी मौजूद होने की बात सामने आ रही है, जिसकी बुनियाद पर एसीबी ने जाल बिछाया और आईपीएस यादव के लिए 1 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए एक पुलिस अहलकार को गिरफ्तार कर लिया। मामले की मजीद जांच की जा रही है।